मैंने मम्मी घुंघरू क्यों बजा रही है, मम्मी सुनो, मैंने कहा देखो कहीं घुंघरू बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है छम छम ऐसी हो रही है। 30 साल पहले एक संत थे, उन्होंने कहा कि मुझे रुकना है, तो वो यहाँ रात को रुके थे, तो सुबह 5 बजे पुजारी जी आए थे मंगला करने, तो देखा कि वहाँ हरदास जी की समाधि पर वो लेटे हुए हैं, आँखों से आंसू चल रहे थे उनके, और सब लोग पूछ रहे थे उनसे कि क्या देखा क्या हुआ। हम सब लोग देखने गए थे, चरण छू के आए, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन किए थे ना, जिनकी शरण में प्रभु ने हमको यहाँ जन्म दिया है, यही हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जन्म हुआ है, हम यहाँ रह रहे हैं और हम उनके बिल्कुल नज़दीक हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। महिमा अमित अपार श्री वृंदावन धाम की, जहाँ नित्य रहत बिहार पर ब्रह्मा भगवान हरि। वृंदावन की महिमा अपरंपार है, जहाँ पर भगवान रोजाना नित्य विहार करने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त हूँ निधिवन के पड़ोस में, आप देखेंगे यहाँ से साफ तौर पर निधिवन के दर्शन हो रहे हैं। यह रंग महल है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अपने गोपियों के साथ नित्य विहार करने के लिए आते हैं। आप इधर देखेंगे पूरा ये निधवन के दर्शन कीजिए, और इधर आप देखेंगे तो रास मंडल है, यहीं पर ही दिन में सैकड़ों की संख्या में आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रात में कोई भी यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ दिन में कई बंदर कई पक्षी आपको दिखाई देंगे, लेकिन रात होते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। हमारे साथ हैं निधवन के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमलता शर्मा। हेमलता जी, आप कब से यहाँ पर रह रही हैं वृंदावन? हमारे तो पुश्तैनी यही है, हमको यहाँ रहते हुए 80 साल हो गए हैं, 80 साल से हम यही रह रहे हैं, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ और हमेशा से मैं सब कुछ देखती आ रही हूँ, तो बताइए आपको क्या। तो आप निधवन के बिल्कुल पड़ोस में आप रहती हैं, तो क्या महसूस किया है आपने जब से आप यहाँ रह रही हैं, यहाँ ही जन्मी हैं आप? जी, हम तो वही प्रभु की ऐसी दया है कि राधा रानी की शरण में हैं, सुबह उठते हैं डेली दर्शन करते हैं, बस कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, बिल्कुल बराबर में रहते हैं। पर हाँ, घुंघरुओं की आवाज़ तो आती है, ऐसा नहीं है, और भगवान रात को आते हैं, ना पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता यहाँ पर। यहाँ तक कि एक बार काफ़ी 30 साल पहले एक संत थे, उन्होंने कहा कि मुझे रुकना है, तो वो यहाँ रात को रुके थे, तो सुबह 5 बजे पुजारी जी आए थे मंगला करने, तो देखा कि वहाँ हरदास जी की समाधि पर वो लेटे हुए हैं, आँखों से आंसू चल रहे थे उनके, और सब लोग पूछ रहे थे उनसे कि क्या देखा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बता पाए, और 8 बजे करीब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये जो आप घटना बता रही हैं, या आपने सुनी या खुद आंखों से देखे? हम सब लोग देखने गए थे, चरण छू के आए, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन किए थे ना, तो सभी लोग गए थे, हम ही नहीं पूरे मतलब वृंदावन में जिसने सुना ना, सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए गए थे वहाँ पर। ये सत्य घटना है, 30 साल पहले हम खुद अपनी आंखों से सुबह 5 बजे पुजारी ने देखा, सारे शोर किया, सारे पड़ोसी अड़ोसी सब लोग पहुँच गए वहाँ। ये सत्य घटना है, खुद प्रभु ने देखा, उसने प्रभु को देखा, सब रासलीला देखी, सब कुछ किया, पर वो कुछ बताने लायक नहीं रहे कि हमने क्या देखा। तो जब आप गई थी तो वहीं लेटे हुए थे? हाँ, समाधि हरदास जी की समाधि है ना, वहाँ पर लेटे हुए थे, वहाँ पर बस उनकी आंखों से आंसू चल रहे थे, यूँ पड़े हुए थे, वही कंठी माला जो साधु संत पहनते हैं सब कुछ पहने हुए थे। कहाँ के साधु थे, कोई जानकारी उनके बारे? नहीं, ऐसा तो कोई, हम तो बहुत छोटे थे, हम तो मम्मी के साथ गए थे, 30 साल 40 साल पहले की बात है जी, तो ऐसा तो हमें वो भी नहीं था, पर यह कि जिसने भी सुना होगा पुजारी जी बता सकते हैं, पर हमने देखे जरूर थे, ये हमारा सत्य है। आप अभी भी यहीं पर रह रही हैं, बिल्कुल दीवार आपकी निधवन से एकदम चिपकी हुई है, तो क्या क्या महसूस किया है आपने जब से आप यहाँ रह रही हैं? देखो, हम तो अक्सर रात को उठते हैं, खूब कोशिश करते हैं कि कुछ दिखाई दे जाए, पर भाई जब तक प्रभु की वो नहीं होगी हम पे कृपा, और फिर जब तक हम उनकी भूमि में नहीं जाएंगे वहाँ, जब तक हमको कुछ नहीं है, पर हम यहाँ रहते हैं तो हमें घुंघरुओं की आवाज़ अक्सर ऐसे सुनाई देती है, पर देखा हमने कुछ नहीं है बस, पर हाँ घुंघरुओं की आवाज़ तो अक्सर आती है, ऐसा लगता है कि कहीं घुंघरू बज रहे हैं, कुछ हो रहा है, पर बस
पर ये भगवान तो आते हैं, ये तो अटल सत्य है। ऐसा भी कहती हैं कि मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता, उसके लिए कुछ अलग से आंखें चाहिए। भाव तो आते ही हैं, भाव तो हम भी सोचते हैं कि हाँ भगवान आए हैं या रास हो रहा है या सब कुछ हो रहा है, भाव तो उठते ही हैं। भाव थोड़ा ना, जिनकी शरण में प्रभु ने हमको यहाँ जन्म दिया है, यही हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जन्म हुआ है, हम यहाँ रह रहे हैं और हम उनके बिल्कुल नज़दीक हैं। दुनिया तरसती है आने के लिए और हमको देखो सब कुछ प्रभु की कृपा से ही तो मिला है। स्वामी जी की भक्ति है, सब कुछ है, बिहार जी के दर्शन करो, यही प्रकट हुए हैं। रंग मेले रात को भगवान आते हैं, पान वगैरह सारा चबा, लड्डू फूटे हुए मिलते हैं, पानी भी ऐसा लगता है कि भगवान ने आके स्वयं पिया हो। सभी कुछ बहुत देखा है हमने खुद अपनी आंखों से। आपकी मम्मी यहाँ पहले से ही रह रही हैं, तो उन्होंने क्या बताया आपको, कुछ जानकारी मतलब अपने जो अनुभव आपको बताया कुछ? मम्मी तो हमारी बहुत पूजा पाठ करती थी। हाँ, मम्मी तो डेली निध बन जाती थी, सब कुछ करती थी, तो मम्मी तो खूब भक्त पूजा पाठ में बहुत भक्ति लीन रहती थी। उन्होंने कुछ निधवन में महसूस किया हो जो आपको बताया हो कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा सुना, ऐसा कुछ हुआ? बस यही होता था कि मैं कहती थी रात को हम सोते थे ना, मैंने मम्मी घूंघरू की आवाज़ आ रही है, मम्मी सुनो, तो मम्मी कहती सो जा कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो कहीं घूंघरू बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है छम छम ऐसी हो रही है, तो मैं डरती थी। मम्मी कहती कुछ नहीं है, सब कुछ आराम से, भगवान का नाम ले, राधा रानी का नाम ले और सो जा। तो ये तो मैं अक्सर सुनती थी और मैं डरती भी थी कि जी घूंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो मम्मी ने कहा भगवान आए हैं, भगवान वो कर रहे हैं, चिंता मत करे, सो जा बस। यही सब हम लोग खूब देखते थे। फिर मैं देखती थी निधवन में कि बंदर कोई तो रुकता होगा, पर यहाँ चिड़िया तक भी नहीं रुकती यहाँ पर, कि कोई चिड़िया भी रुक रही हो कि हम उसको एक डाली पर बैठे हुए देख लें। यह भक्ति तो खैर भक्ति में ही शक्ति है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए, ये तो सब है ही है, प्रभु की लीला है। भगवान को पाना कोई यूँ ही थोड़ी है कि अपन ने देखा और हमको भगवान मिल गए। इतने साधु संत कितनी तपस्याएं करते हैं, तब कहीं जाके उनको वो, हम तो यहाँ रहते हैं बस उनके हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया। भगवान से बस यही विनती है भाई कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ राजी खुशी रहें और आपके दर्शन मिलते रहें, यही सबसे बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की। आप बता रही हैं कि यहाँ ठाकुर जी भी आते हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष ऐसा बताते हैं कि गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। गोपियों का रूप है, जब कृष्ण यहाँ से गए थे तब जब जैसे गोपियों ने सुना कि कान्हा जी यहाँ से चले गए हैं, तो जो जैसे अवस्था में थी, जो काम कर रही थी, कोई छात चला रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई दूध काढ़ रही थी, उसी हिसाब से वृक्ष वो गोपियाँ वहीं की वहीं रुक गईं और थम गईं कि ये क्या हो गया। और वो पेड़ जो है आज भी उसी अवस्था में खड़े हुए हैं कि कोई छोटा है छोटी सखी है तो छोटी सखी है, बड़ी है तो बड़ी है, उसी हिसाब से। ना तो ये पेड़ कभी मुरझाते ना कभी मतलब जलते, कभी कुछ नहीं होता, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जो साइज है गोपियों का वही साइज रहता है इनका। जो ये लता बताएं रात में गोपियाँ बन जाते हैं, सारी गोपियाँ बन जाती हैं, उतने ही कृष्ण जी बन जाते हैं, तब कहीं जाके महाराज होता है इनका। डेली का यही है, जितने गोपियाँ उतने ही कृष्ण बन जाते हैं, अब फिर यहाँ पर चलता है महाराज, तभी तो घुंघरुओं की आवाज़ वगैरह सुनाई देती है यहाँ पर। और अभी भी आप रही, अभी भी सुनाई देती है आपको प्रॉपर? नहीं, अब देखो रोज़ तो हम ऊपर नहीं आ पाते हैं कि हम डेली ऊपर आए, अब आजकल तो सब अपने अपने उसमें, पर यह कि हाँ यदि अपन आए गौर करें तो हमको कुछ ना कुछ तो अवश्य सुनाई देगा। हमारी तो एक पड़ोसी ने, उनको तो एक घुंघरू मिला था यहाँ पर, तो उनके पास तो आज भी उन्होंने घुंघरू संभाल के रख रखा है कि एक डिब्बी में, एक पड़ोसी ने, उनका भी एक चैनल आया था उसमें एक डिब्बी में उन्होंने कि भगवान का घुंघरू है, तो प्रभु की कृपा ही है ना कि उनको मिला था। आपको कुछ कभी ऐसा मिला है? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं, पर ये बंदर पर्स वर्स ले आते हैं वो चीज़ अलग है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद भेंट वो तो सब कुछ मिलता ही है। ये देखिए, ये अब तक हमारे साथ रही निधवन में रहने वाली पड़ोसन, जिन्होंने बताया कि बचपन से यहीं पर रह रही हैं और कहती हैं कि जब बचपन में छत पर सोते थे तो घुंघरुओं की आवाज़ आती थी, आवाज़ के साथ, ऐसा कहना है कि आज भी भगवान यहाँ पर नित्य विहार लीला करने के लिए आते हैं। और जो वृक्ष हैं जो आप देख रहे हैं, ये वृक्ष ऐसा बता रहे हैं कि यही गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और यही जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित होते हैं। और यही जगह है निधवन,
जहाँ पर आज भी नित्य विहार करने के लिए भगवान आते हैं। ये पड़ोसन है जो जिन्होंने महसूस किया है कि यहाँ भगवान आते हैं। राधे राधे।